तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर से आ गए एक नए वीडियो लेके। फेस स्मूथ कैसे किया जा सकता है, वीडियो को फुल वॉच करना तभी सीख पाओगे। एंड गाइस, फेस स्मूथ कैसे किया जा सकता है स्नैपसीड के अंदर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्नैपसीड के अंदर आने के बाद नीचे एक टूल्स का ऑप्शन है, उसमें टैप करना है। फिर ऊपर का साइड देखिए, सिलेक्ट टिप का ऑप्शन है ऊपर का साइड, आपके नीचे उसमें टैप करना है आपको। फेस में इस तरीके लगाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है इस तरीके, जैसे कि मैं सेटिंग कर रहा हूँ, आपको सिंपली वैसे ही करते जाना है। एंड गाइस, इतना करने के बाद सिंपली राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल्स का ऑप्शन में जाना है। टूल्स का ऑप्शन में जाने के बाद आपको लेंस ब्लर में जाने के बाद इस थोड़ा नीचे करके इसको फुल डाउन कर देना है। डाउन करके जैसे जैसे सेटिंग रहा है आपको सिर्फ उसको करते जाना है। इसको 30 तक रखना है, 30 तक हमारा सेटिंग में रखना है। इसको फुल इसको लो कर देना है। जैसे कर रहा हूँ सिंपली आपको वैसे ही करते जाना है। थोड़ा भी वीडियो स्किप करेगा तो नहीं सीख पाओगे। चलो राइट करते हैं। एंड गाइस, व्यू एडिट में जाना है। व्यू एडिट के बाद पेंसिल का आइकन में आपको इस तरीके से टैप करना है। टैप करने के बाद फोटो को थोड़ा जूम करके फेस को इस तरीके से ब्रश को चलाना है। जैसे ही चलाते जाओगे आपका फेस स्मूथ होता जाएगा। तो गाइस, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, फोटो हमारा कुछ इस तरीके के दिखने लगा है। गाइस, आपको टूल्स में टैप करना है। टैप करने के बाद सिलेक्ट टिप में टैप करना है। इसके बाद फेस में इस तरीके से लगाने के बाद वो ब्राइटनेस को इस तरीके से करना है। ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा के कंट्रास्ट को थोड़ा 32 रखना है बस। अब जैसे सेटिंग कर रहा हूँ आपको उसको वैसे ही करते जाना है। इतना होने के बाद गाइस, आपको सिंपली राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको ब्रश का ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद 4 नंबर ब्रश लेना है। फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से चलाना है। तो गाइस, इतना करने के बाद सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद टॉर्च में फिर से टैप करना है। ब्रश को लेना है, जैसे इसने बताया सिर्फ उसे ही सेम टू सेम करते जाना। गाइस, इतना करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस, फोटो कुछ इस तरीके का बन के आ चुका है, देख सकते हो आप। गाइस, टूल के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद सिलेक्ट टिप पे जाना है। उसके बाद जैसे सेटिंग कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ वैसे ही करते जाना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. एंड गाइस, इतना करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा फोटो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। टूल्स का उसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ब्रश लेना है। 2 नंबर ब्रश में जाने के बाद -07 करना है। 07 के बाद आपको हेयर में कुछ इस तरीके से चलाना है, जैसे मैं चलाते जा रहा हूँ। इस हेयर में चलाने के बाद थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस, इतना करने के बाद सिंपली आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा फोटो कुछ इस तरीके से बन के आ चुका है। गाइस, ऊपर में एक डन का ऑप्शन में, उसमें टैप करके आपको फोटो को सेव कर लेना है। गाइस, हमारा फोटो कुछ इस तरीके का था और कुछ इस तरीके का हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय।
wanna miss a beat.